नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। पति की हत्या के बाद न्याय के लिए पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में रसला थाना क्षेत्र के रसला पानी टंकी रोक बलिया सीमा देवी के पति की हत्या के बाद रसला थाने के चक्कर लगा रही है। मुकदमा लिखने के लिए जब रचो थाना मुकदमा नहीं लिखा तो पीड़ित परिवार जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के चक्कर लगा रहा है। सीमा देवी की उसकी छोटी छोटी दो बच्चे हैं जो उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सीमा देवी ने जिलाधिकारी के गाड़ी के सामने न्याय के लिए कूद गई। जिलाधिकारी श्री हरि प्रताप साई ने तत्काल पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया है कार्रवाई करने के लिए। नाम है सीमा देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? पानी टंकी रोड रसड़ा। क्या मामला है, क्या हुआ आपके साथ? सर, मेरे पति आए दुकान लेकर आए, वो मुझसे फोन पे बात कर रहे थे। घर पे कोई नहीं था, उनकी मम्मी भी नहीं थी। जब वो आई तो उनसे लड़ाई झगड़ा होने लगा। बोले कि इतनी रात तक तुम कहाँ थी? बोल रही थी कि हम कहीं भी जाए, तुमसे क्या मतलब है? और ये बोलने लगे कि क्यों हमसे मतलब नहीं है, क्यों तुम बता कर नहीं जाती हो? हम केला लेकर आए हैं, घर पे कोई नहीं है, हमको भूख लगा है। इतने ही पे वो मारने लगी। बोल रही थी तुम्हारे बाप को नौकर बनाकर खाना खिलाने के लिए। कौन मारने लगी? उसकी माँ। अच्छा। और उसके बाद बहुत देर तक लड़ाई झगड़ा हुआ और हमारे फोन पे सब सुनाई दे रहा था। उसकी माँ उसको बहुत बोल रही थी कि तुमको मार देंगे, ये कर देंगे। और उसके बाद फोन पे जब सब सुनाई देने लगा, उसके बाद थोड़ी देर के ही बाद फोन कट गया। मैं इधर से बोल रही थी मगर उधर से कोई आवाज नहीं दे रहा था। फोन उसके बाद क्या हुआ, ये लाइन बताइएगा। उसके बाद उनको तीनों लोग मिलकर मार रहे थे, फोन पे सब सुनाई दे रहा था सर। अच्छा। हाँ। उसके बाद जब सुनाई दिया तो उसका छोटा भाई बोल रहा था कि मार के फेंक दिले बनी, आके ले जो। जी, तो इस मामले में कोई कार्रवाई हुई? आप डीएम साहब से मिली हैं क्या? कहे वो अभी किसी से नहीं मिले। डीएम कार्यालय क्यों आई यहाँ आप? अब डीएम कार्यालय पर क्यों आई हैं? सर, हमारे रसड़ा में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। चार दिन से हमको रोज बुला रहे हैं कि फिर जाने के बाद बोल रहे हैं कि जाओ एक घंटा के बाद आना, दो घंटा के बाद आना। बताइए। मैं हरिंदर हूँ, इस समाज का मैं समाज सेवक हूँ। जी जी, क्या मामला है? मामला यही है कि ये रसड़ा का मामला है, लड़की रसड़ा की रहने वाली है, है? और इनके पति को इनके परिवार द्वारा मार करके हत्या कर दिया गया है जी। और इनकी जो है कि कहीं सुध नहीं लिया जा रहा है, यहाँ तक कि इन्होंने कब की घटना ये है? 8 तारीख को ये घटना है जी। अभी तक थाने पर लोग दौड़ रहे हैं। मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं? कोई सुनवाई नहीं। मुकदमा की जो बात, थाना जो है कि अच्छे तरीके से पेश भी नहीं आ रहा है जी। आपने इसकी तहरीर थाने पर दिया है? बिल्कुल, तहरीर दिया गया है। तो क्या करे थानादार? आ जाइए तो कल आइए तो परसों आइए, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हो गया है उस लाश का। अच्छा। तो अभी आप लोग कहाँ, जिलाधिकारी कार्यालय पर हैं क्या? जिलाधिकारी कार्यालय महोदय के आए हैं मुलाकात कर, उनको इस सूचने से अवगत कराएंगे कि थानेदार जो है आपकी प्रशासन नाकाम है, जो कि गरीबों का कोई सुख लेने वाला नहीं। जी जी, इसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो तो आगे क्या करेंगे आप लोग? इसके बाद ये सर नहीं होगा, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम अपने समाज को लेकर के जिला मुख्यालय पर अपना घेराव प्रदर्शन करेंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।